संयुक्त किसान मोर्चे के 3 घंटे जाम लगाने के आह्वान पर आज करनाल के इंद्री में 3 स्थानों पर जाम लगाकर किसानों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। इंद्री हलके में किसानों ने गढ़ी बीरबल रोड पर गांव बयाना में अनाज मंडी के सामने, करनाल इंद्री रोड पर गांव रबा की पुलिस चौकी के पास, इंद्री से कुरुक्षेत्र रोड पर व भादसो चौक पर जाम लगाया। ऐसे मौके पर प्रशासन द्वारा आने जाने वाले वाहनों के लिए अलग रास्तों की व्यवस्था की हुई थी ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। भादसो पर लगाए गए जाम में काफी संख्या में किसानों ने सड़क पर बैठकर सरकार की किसानों के प्रति बनाए गए 3 काले कानूनों की जमकर आलोचना की। किसान नेता आत्मप्रकाश की अगुवाई में लगाए गए जाम में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसान भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 12 में से 8 कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन जो 3 मुख्य कानून हैं उनके बारे में कुछ भी संशोधन करने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक देश का किसान सड़कों पर ही बैठा रहेगा। भाजपा सरकार के खिलाफ जो कोई बोलता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज 3 घंटे का शांतिपूर्ण जाम है और फिर इसके बाद जो रणनीति बनेगी उसके अनुसार आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम है, हमारे संयुक्त मोर्चा किसान की तरफ से आह्वान है। आज 3 घंटे का चक्का जाम है, सारे भारत में चक्का जाम है, सिर्फ 3 स्टेट को छोड़ के, और इसके आज इंद्री भी 3 जगह चक्का जाम है, और इन काले कानूनों के विरोध में चक्का जाम है। और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक जो जो प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा की तरफ से किसानों को दिए जाएंगे उनका पूरे डट कर पालन किया जाएगा, और उनको जब तक कानून वापस नहीं हो तब तक किसान ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा। कहाँ पे चक्का जाम है आज इंद्री में? आज इंद्री में एक तो ब्यन्ना चौकी पे चक्का जाम है, और एक रंबा चौकी पे, और तीसरा स्थान हमारा भादसो चौक है जो भादसो गाँव में पड़ता है। सरकार के मंत्री का बयान आया, अभी किसान बताएं हमारे को काला क्या है? किसान बता देंगे उनको, जो किसान नेता हमारे 5 किसान नेता बैठ जाएंगे, लाइव डिबेट करते सारे देश में डिबेट देख ले, और 5 जो मंत्री हैं इनके सरकार के वो बैठ जाएं, हमारे नेता दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ये कानूनों के बारे में अच्छा ही बताएं, और हमारे नेता इसके बारे में जो कमियां हैं वो इनके सामने बता देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुखविंदर, गाँव दूम से। जी सर, मैं गाँव का डिस्ट्रिक्ट से हूँ, संदीप दुधवाल मेरा नाम है, और सर हम यहाँ पे आज आए हैं किसानों ने जो बादशाह में मतलब जो हमारे जगह दी गई थी आज किसी बादशाह के अंदर रंबा चौकी के अंदर और ब्याना चौकी के अंदर किसानों ने संयुक्त मोर्चा की तरफ से आदेश आया था भाई यहाँ पे सबने किसान भाई ने इकट्ठा होकर चक्का जाम करना है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो हम सभी किसान भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जो सरकार की तरफ से 3 काले कानून बनाए गए हैं इनके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से ही मांग करते हैं कि 3 काले कानून को हमको जरूरत नहीं है तो हमारे पर क्यों थोप रहे हैं वो, और इनको अपने काले कानून को वापस ले, बस यही सरकार से मैं कहना चाहूँगा। मेरा नाम है संदीप दुधवाल, गांव का डिस्ट्रिक्ट। आज चक्का जाम किया है, क्या मांग है? देखिए 2.5-3 महीने से वहाँ बैठे हैं हमारे किसान भाई, दिल्ली के चारों तरफ घेरे बैठे हैं, और इस गुंगी बैरी सरकार ना जो ये 3 काले कानून जो किसान के लिए डेथ वारंट हैं उनके वजह में ये वापस कराने के लिए वहाँ पर आंदोलन चला हुआ है, और वहीं से ये आदेश आया है आज का जो 6 तारीख का है सारे देश में, उनके आदेश के मुताबिक जो है आज चक्का जाम किया हुआ है 12 से 3 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से, और ये इसलिए आज हम भादसो चौक पे इकट्ठे हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी जिसकी जो ड्यूटियाँ लगी हैं सब वहाँ पर चले हुए हैं, और सरकार से हमारी तो यही है भाई ये जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तो ये आंदोलन चलता रहेगा। जैसे दूसरे देश की कुछ हस्तियों के बयान आए किसानों के समर्थन में, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए ये पहले तो किसानों का था, अब ये किसानों के साथ साथ जन आंदोलन बन चुका है देश का और विदेश के लिए भी, और विदेश में भी वहाँ के इंग्लैंड से भी आ चुकी है बात भाई इसको वापस लो, और अमेरिका से भी और देश जहाँ भी मतलब जहाँ से भी बात आई तो आ चुकी है। अब वो अमेरिका से अब जो उपराष्ट्रपति की भतीजी है भांजी है उसने भी ये कहा भाई ये किसानों के साथ अन्याय है और इन्होंने वापस ये ले लेना चाहिए। मंत्री का बयान है, कृषि मंत्री का भी काला क्या है? ओहो कृषि मंत्री वो तो खुद काले हैं, जो काला होगा तो काले कहेगा।
इसमें अच्छा क्या है? कुछ भी अच्छा नहीं है, बताओ क्या अच्छा है? अगर ये अच्छा होता तो इतने आदमी, ये बताइए आप, हाँ मैंने कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और आप मेरे को धक्के से दोगे, मैं कहूँ भाई मैंने नहीं लेनी, तो क्यों थोप रहे हैं आप मेरे ऊपर धक्के से? जब हमें जरूरत नहीं इनका, ना किसान ही कहता है अभी हमें जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे हैं धक्के से? सरकार तो कह रही है हम आमदनी बढ़ाना चाह रहे हैं किसान। हाँ तो किसान की आमदनी बढ़गी ना, जब इन्होंने, इनका इलेक्शन था ना, इन्होंने कहा था हम 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, अब बताइए पेट्रोल, अब बताइए क्या रेट है? 90 पे जा लिया आज, 90 रुपये पेट्रोल है जी। बताओ इन्होंने कौन सी विकास के काम की किसान के लिए? ट्रैक्टरों का रेट जो उस टाइम 3 था 6 लाख कर दिया, यूरिया DAP 50 किलो के बजाय 5 किलो घटा दिया और उसकी सब्सिडी खत्म कर दी। बताइए क्या दे रहे किसान को ये? आपका कहना जो काम करने का वो नहीं किए जा रहे, नहीं करने कर ही नहीं रहे इन्होंने, तो बस 2 आदमी 3 दिख रहे हैं, अंडानी अंबानी उनकी तिजोरियां भरनी, उनके लिए काम कर रहे, इसलिए हमारे देश का किसान और मजदूर सारा जो है ना सड़क पे आया हुआ है। और जब तक ये वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन चलता रहेगा। अब हमारे टिका साहब ने तो कह दिया भाई अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है अक्टूबर चलेगा, नहीं चलेगा शायद उससे भी ऊपर जाएगा। हमारे तो यही है भाई, ये अगर सरकार के दिमाग में कुछ ठीक बढ़ जाए तो इसको वापस ले ले, नहीं तो चलता रहेगा आंदोलन और शांति। ऋषि पाल संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो आज बंद किया हुआ है 12 बजे से 3 बजे तक, बिल्कुल मुकम्मल सारा इंडिया बंद रहेगा। जो संयुक्त मोर्चे ने उत्तराखंड और यूपी को छोड़कर सारा इंडिया बंद रहेगा और बिल्कुल बंद रहेगा, कोई भी इधर उधर कोई भी सवारी नहीं जाएगी। तो कल को ये खबर दे देंगे इनका बंद फेल हुआ, फेल नहीं, आगे यहाँ पर देख ले कि कितनी संख्या में यहाँ लोग मजदूर किसान दुकानदार सब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मुकम्मल बंद है यहाँ पर। जो ये बर्बाद कर रहे हैं हमारे किसानों को, ये बिल्कुल उसमें नहीं आने वाले, ये पढ़े लिखे हैं, कानून के बारे में जानते हैं कि कानून हमारे लिए कितना खतरनाक है। लेकिन तोमर साहब कह रहे हैं इसमें जो काला है वो बता दो हमारे, ये बिल्कुल सारे के काला काला है, ये इसमें सफ़ेद तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। डंगर तक के जो रखने वाले उसके ऊपर भी पाबंदी है, दूध बेचने के ऊपर भी पाबंदी ला रहे हैं, सारे किस्म के ये जिमीदार को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि 85% जो जिमीदार है, 40 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है, जो उनका फूड दे रहा है, वो बिल्कुल इनके लिफाफे में बंद हो जाएगा। अडानी और अंबानी के लिफाफे में वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, उसका रेट अपनी मर्जी से तय करेंगे और जिमीदार से सस्ते भाव पे खरीद पे स्टोर बना के जब उसको देंगे, जब भूखमरी आ जाएगी तब निकालेंगे इसको, ताकि अपनी मर्जी मनमर्जी का रेट ले जाएं। ये मोदी इन 3-4 आदमियों के लिए सारे देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। इसने अपनी जो अपने तो अपनी ड्रेस पहनता है, एक एक लाख की जैकेट पहनता है, जिमीदार को कहता है भी ये जिमीदार नहीं है, इन्होंने अगर जींस की पैंट पहन ली उसे खुंदे करते हैं। देखो आप एक एक लाख की जो जैकेट पहन रहे हैं इसमें, बताओ। तो हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल सफल रहेगा और तब तक रहेगा जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा हमारे, और जो दिल्ली में नजायज बच्चे पकड़े हुए हैं उनका केस वापस नहीं होगा, हम वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारा आंदोलन बिल्कुल मजबूत से चल रहा है। ये निकल गई तेरी जो जरूरी सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस होगी, कोई मरीज है, डॉक्टर है, तो इन ऐसे जो जरूरी हैं उनके लिए छूट है, उनके लिए कोई रोक नहीं है उनके लिए। धरना तो ये किसान कानूनों के विरोध में है जी, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर आज पूरे देश में चक्का जाम है और हम यहाँ पे एक सांकेतिक धरना है जो ये 3 घंटे तक का टाइम है, 12 से 3 तक का, उसके उसी के संदर्भ में सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ये किसान यहाँ पे 15 से 20 गांव के किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह हमारी आवाज़ मोदी सरकार के कानों में पहुँचे और उनको एहसास हो कि हम जो ये नीतियाँ बना रहे हैं ये नीतियाँ जन विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ हैं, और इनको वापस ले, तुरंत नए सिरे से किसान संगठनों की राय लेके नए कानून बनाए। दिक्कत कहाँ है? एक सरकार जबरदस्ती कर रही है कि हाँ नहीं नहीं हम तो आपको अमीर बना के ही छोड़ देंगे, हम कह रहे हैं कि हमें हमारे हालात पे छोड़ दो,
लेकिन सरकार एक जिद पे अड़ी है, उल्टा जिद्दी हमें बता रही है। सरकार कोई भगवान नहीं है जी, कि सरकार ने जो लिख दिया वो फाइनल है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर कुछ है तो वो है जनता। अगर जनता किसी चीज़ को नहीं चाहती इतने बड़े स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी हमारे पक्ष में ट्वीट कर रही हैं, ब्रिटेन की संसद तैयारी कर रही है अंदर सुनवाई की, लेकिन फिर भी भारत सरकार नहीं चाहती कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने। ये तो बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय। लोग क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि ये किसान शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं लगभग ढाई महीने से। आप इनकी बात सुनो, जब कहीं भी सारा दिन हमारी ये गोदी मीडिया पाकिस्तान में आलू महंगा हो गया, पाकिस्तान में प्याज महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो इनकी एक आंतरिक, ये दूसरे देश के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमारे देश के बारे में, हमारे देश के किसानों के बारे में एक पॉप स्टार रेहाना ने ट्वीट क्या कर दिया, सारा देश पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार विदेश मंत्रालय ने एक किसी की निजी टिप्पणी का जवाब दिया है। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। उनका ये डर अहंकार अब ये साफ झलक रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, अगले ही दिन किले बैरिकेड सीमेंट की बैरिकेडिंग पक्की बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है, कि शुरू से ही बना हुआ, छः साल से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो भी भाषण देते हैं अगले दिन उसका उल्टा शुरू हो जाता है। जब उन्होंने 2014 से पहले भाषण दिए थे कि मेरे किसान भाइयों, मैं पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ़ करूंगा, किसानों के लिए स्वामीनाथन C2 का फार्मूला लागू करूंगा, आज तक लागू नहीं हुआ। उल्टे हमारा मंडी सिस्टम तोड़ने का एक उन्होंने पैरलर सिस्टम तैयार कर दिया। और कल हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हमने तो बाहर टैक्स हटा दिया, टैक्स हटाना पेट्रोल से हटा लें, अभी भी 4% सेस लगा दिया किसानों के नाम पर, और अगर टैक्स हटाना है तो ये GST में 28% में किसान रखे हुए हैं। ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट, किसानी का जो भी स्पेयर पार्ट आता है ट्रैक्टर का, मशीनरी का, वो 28% GST में रखा हुआ है, उसको कम कर लें। ये तो उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती कि मंडी के बाहर टैक्स हटा दिया। किन के लिए हटा दिया, किसान तो बेचने वाला है, टैक्स खरीदने वाले पे है, तो खरीदने वाले कौन है, अडानी और अंबानी। सीधा पैकेट में अभी 600 रुपये किलो गोभी बाजरा, ये 150-150 रुपये 250-250 ग्राम बेच रहे हैं। ये सारा सिस्टम ये छोटे दुकानदार को खा जाएंगे, ये मध्यम व्यापारी को खा जाएंगे। इनको चाहिए स्पॉन्सर करने वाले उद्योगपति, जो हमारा प्रधानमंत्री जी अडानी के चोपर में शपथ लेने के लिए आए थे, तभी देश की जनता को समझ जाना चाहिए था कि नीतियां किन के लिए बनेंगी। किसान और जन विरोधी नीतियां बनाने के लिए भाजपा सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और अभी भी लगा रही है। किसानों ने भी अपना ताकत झोंक दी कि ये जन विरोधी कानून, ये जन विरोधी नीतियों वाली सरकार, इसके खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। आप ये जो लोग देख रहे हैं, ये खाली किसान नहीं है, ये छोटे दुकानदार सभी तबकों के लोग आज यहाँ पे आए हैं, और सब में एक गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये गुस्सा इस सरकार को ले डूबेगा, इससे पहले ये अपना इन कानूनों को वापस ले लें। सरकार छोटी या बड़ी नहीं होती, पहले भी, अभी जब कांग्रेस ने 2013 में भूमि अधिग्रहण एक अध्यादेश जारी किया था, मोदी सरकार ने बनते ही उसको वापस ले लिया, उससे क्या सरकार छोटी हो गई? नहीं होती सरकार छोटी बड़ी। ना ही हम मानते हैं कि सरकार हार गई। सरकार का काम है कि जिस जनता के हक में ये चीज़ें लाई गई हैं, जब वही जनता विरोध कर रही है तो आप उसको पीछे ले लो। पीछे लेने में दिक्कत कहाँ पे है, सिर्फ एक अहंकार। एक आदमी देश को डुबोने जा रहा है। अभी भी मैं सभी अपनी एक आम जनता से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, कि आज भी वक्त है किसान आंदोलन को और मजबूत करें। जन आंदोलन बन चुका, अपने घरों से निकलें और सभी भाई इसमें अपने एक आहुति देने का काम करें। ये यज्ञ है, ये एक ऐसा यज्ञ है जो इस अहंकारी मोदी सरकार को बिठा के रहेगा। आज नहीं तो कल इनको बैठना ही पड़ेगा। ये हजूम कोई पैसे देके भाड़े की भीड़ नहीं है। आप महापंचायतें देख सकते हैं, बागपत की, कंडेला की, खटकड़ की और दौसा राजस्थान की। राजस्थान में मीणा समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, ये सभी समाज
इकट्ठा होके मोदी सरकार को बोल रहे हैं कि आप इन चीजों को वापस ले लो, इसी में भलाई है हमारी भी और सरकार की भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।